हेलो एवरीवन बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज स्ट्रक्चर सो इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती है और उनके फंक्शंस और फीचर्स क्या होते हैं सो हियर इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट द स्टोरेज हरार की सो यहाँ सबसे टॉप पर है हमारे पास रजिस्टर देन नेक्स्ट कैश देन मेन मेमोरी देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देन मैग्नेटिक डिस्क देन, ऑप्टिकल डिस्क एंड लास्ट इज मैग्नेटिक टेप तो अगर हम इस हरान में अगर टॉप पर देखें तो सबसे टॉप पर है यहाँ पे रजिस्टर्स रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस एंड इट स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स मीन्स जीरो एंड वन एंड इन साइज दे आर द स्मॉलेस्ट सो दे कैन एक्सेस वेरी क्विकली देन नेक्स्ट इज कैश कैश की साइज रजिस्टर्स के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है और स्पीड रजिस्टर से थोड़ी स्लो होती है द नेक्स्ट इज मेन मेमोरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेन मेमोरी दैट इज रैम रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे हम डिटेल में थोड़ा आगे समझेंगे देन इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क एंड लास्ट मैग्नेटिक टेप जो कि सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं ना हम अब देखते हैं मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या है अगर हम इस हरारकी में देखें जब हम बॉटम टू टॉप की तरफ चलते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं तो इट बिकम एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ कॉस्ट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी बट दे आर फास्ट एंड इनकी साइज भी रिड्यूस होती जाएगी मीन्स जो हमारी मैग्नेटिक टेप है इसकी साइज कंपैरेटिवली सबसे बड़ी होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो साइज रिड्यूस होती जाती है और इनका जो एक्सेस टाइम है वो बढ़ता जाता है और कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो हम बोल सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रजिस्टर्स हमारे सबसे ज़्यादा सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है और सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्ट भी होती है अब अगर हम हरारकी में टॉप टू बॉटम चलें तो कॉस्ट पर बिट कॉस्ट पर बिट बिट क्या है वो डिक्रीज होती जाती है और एक्सेस टाइम और साइज वो बढ़ता जाता है ना अब अगर हम बात करें हमारी मेन मेमोरी की तो मेन मेमोरी हमारे कंप्यूटर में हम रैम के नाम से जानते हैं इस मेन मेमोरी का फंक्शन होता है जब भी हमें कुछ टास्क हमारा परफॉर्म करना होता है जो हमारा वट जो भी डेटा है हमारा कहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखा हो तो उसे हमें सबसे पहले अगर उसे एक्सेस करना है तो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होगा देन आफ्टर वो एग्जीक्यूट होता है सो मेन मेमोरी फास्ट तो होती है बट इसकी साइज लिमिटेड होती है एज वी नो कि जो हमारी रैम होती है चार जी बी और मैग्जिम हम अभी सिक्सटीन जी बी यूज कर रहे हैं इट इज वॉलेटाइल इन नेचर वॉलेटाइल का मतलब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एज वी नो हमारी मेन मेमोरी की साइज हम बोल रहे हैं बार बार लिमिटेड होती है तो हमारा जो सारा डेटा है जितना भी डेटा है वो हमारा कहाँ स्टोर होगा मेन मेमोरी में हो नहीं सकता तो इसके लिए हमें अलग से स्टोरेज की ज़रूरत होती है जिसे हम सेकेंड्री uh, स्टोरेज के नाम से जानते हैं तो हमारे सारे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर हम कहाँ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में और जब भी हमें कोई प्रोग्राम या कोई डेटा यूज़ करना है तो उसे हम पहले मेन मेमोरी में लोड करते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंपल से अगर हम दें वर्ड एमएस वर्ड है जब भी हमें एम एस वर्ड यूज़ करना होता है अब जब हम जानते हैं कि सारा हम क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जो भी हम एप्लीकेशन या कोई भी इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में स्टोर होती है लाइक हमारी सी ड्राइव में हमारी हार्ड डिस्क पे तो जैसे ही हम एम एस वर्ड के आइकन पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली जो एम एस वर्ड है वो अब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज से पहले मेन मेमोरी में लोड होता है ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें और जो यूज़र है वो उसे एक्सेस कर सकें एज आई सेड दट मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर जो हमारी मेन मेमोरी है वो वॉलेटाइल होती है इन नेचर एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल अब यहाँ समझते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है सो वॉलेटाइल मतलब एंड नॉन वॉलेटाइल दीज आर द टू टाइप ऑफ अवर स्टोरेज डिवाइसेज

इलेक्ट्रॉनिक डिस्क जो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क एक्चुअली नॉन वॉलेटाइल होती है वैसे नेचर में इसको वॉलेटाइल भी बनाया जा सकता है साथ ही साथ हमारे जो मेन मेमोरी विच इज वॉलेटाइल इन नेचर तो इसमें भी बहुत वराइटीज होती हैं जो नॉन वॉलेटाइल रैम होती है जिसे हम एनवी रैम से भी जानते हैं सो so, इस लेक्चर में हमने बेसिकली जाना कि बेसिक स्टोरेज स्ट्रक्चर जो कि मेन मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है सो थैंक यू फॉर watching and see you in next